जना हाउस लाहौर पर हमलावर नौजवान सरपसंद के होश रुबा इंकशाफात सफात। शांगला के रिहायशी रईस अहमद ने एतराफी बयान में बताया, 9 मई को यास्मीन राशिद की क्यादत में कोर कमांडर लाहौर जाकर तोड़ फोड़ की। इश्तियार अंगेज तकारीर सुनकर दिल में गुस्सा था। शोदाए वतन और अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। अंजमन ताजरान लाहौर के वफद का जना हाउस लाहौर का दौरा। इश्तियार अंगेज वाकई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, जिन बदनसीबों ने मस्जिद तक जो निशाना बनाया इनसे भलाई की क्या तवक्को हो सकती है। मुलजिमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों न फिर आसमां लहू रोए। जना हाउस पर हमले और शोहदा की यादगारें जलाए जाने पर लाहकीन दिल गिरफ्तार। कैप्टन बिलाल सलीम की वालदा ने कहा, हमारे शोहदा की निशानियों को जलाने वालों को अल्लाह इबरतनाक सजा देगा। कैप्टन मनानुल हसन के वालद ने कहा, हमारे बच्चों ने जान देकर मुल्क को बचाया, शरपसंदों ने जो किया इस पर शदीद दुख है। सानेहा 9 मई के मुलजिमान के खिलाफ घेरा तंग। महकमे तालीम मर्दान के 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल मुलाजमीन में 5 उस्तादा और 1 चौकीदार शामिल। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज की रोशनी में की गई। साबिक सूबाई वज़ीरा के ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की वापसी के लिए केपी के महकमा एक्साइज की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ और इकदाम इंचार्ज सूबाई वेयर हाउस के डी जी महकमा एक्साइज को खत के बाद किया गया। मेयर कराची के मुकाबले की दौड़। के एम सी में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मरहला मुकम्मल। आर ओ 4 जून को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखिब उम्मीदवारों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेंगे। पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात होगी।